मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तारीफ करने को लेकर कहा कि ये तारीफ उन्होंने मेरी नहीं स्वास्थ्य विभाग की है। चुनाव बैलेट पेपर से कराने को लेकर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम मशीन से चुनाव के बाद ही बनी थी, जब हार जाते हैं तब ईवीएम मशीन को ये लोग दोष देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह तारीफ उनकी नहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की है। कोरोना का नियंत्रण कोरोना योद्धाओं की वजह से हो पाया है। कांग्रेस द्वारा उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम से बनी थी, वो हमेशा ईवीएम का रोना रोते रहे हैं, परिणाम के बाद खामोश हो जाते हैं। कांग्रेस जनता के बीच जाती है नहीं और यह उनका हार का डर है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। अपराधों को लेकर नरोत्तम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों से इस पर उनकी बात हुई है। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अपराध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मैं निमित्त मात्र हूं और आभारी हूं हर्षवर्धन जी का, उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की तारीफ की है, स्वास्थ्य के डॉक्टरों की तारीफ की। वो कोरोना योद्धा है, उनके कारण ही मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज 68% नहीं, डर वाली बात नहीं है, उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था, आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे, परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे, हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। नहीं, मैं खुद कल गया था, मेरी सबसे बात हुई है, पूरी मुस्तैदी के साथ हम चिंता कर रहे हैं इन चीज़ों की, क्योंकि आशंका पहले से थी 3 महीने बाद अनलॉकडाउन होता है तो, लेकिन हम पूरी चिंता कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।